नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आइए आज देखते हैं 21 जनवरी यानी आज के दिन पंचायत सचिव का पेपर जो हुआ था उसका GS3 यानी GK का पेपर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नमस्कार दोस्तों, जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने अपने एंड से पूरी तरह से वेरीफाई किया है, चेक किया है। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आपको लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसको भी सुधारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सुपरस्टार इंडिया फ्रॉम इनक्रेडिबल टू अनस्टॉपेबल? तो इसका आंसर होगा शोभा डे। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? जी हाँ, तो ओरेकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेटाबेस से रिलेटेड है। आगे देखेंगे। विच मैगजीन वॉज पब्लिश बाई छोटा नागपुर 29 मार्च इन 1915? तो इसका आंसर तो आदिवासी होगा, लेकिन ये जो आदिवासी मैगजीन पब्लिश हुआ था वो 1915 में हुआ था, इस पर मुझे डाउट है। आई थिंक ये 1940 में हुआ था, एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इन झारखंड विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद कैटल वर्शिप? तो जी हाँ, सोहराय। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज निकनेम्ड एज सिटी ऑफ जॉय? जी हाँ, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। आगे बढ़ेंगे। जो द फॉलोइंग इज चीफ लैंग्वेज अमंग द नॉर्थ मुंडास? जी हाँ, वैसे मुंडास लोगों का तो होना चाहिए सब मुंडारी लैंग्वेज, लेकिन चूंकि यहाँ पे नॉर्थ मुंडा लिखा हुआ है तो आंसर संथाली होगा। आगे बढ़ेंगे। जो द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन 1950 बना था, तो उसके जो चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो पहला पीएम कौन था? नेहरू। तो नेहरू आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड ऑन WWW वर्ल्ड वाइड वेब? जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअली सर्च इंजन है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा CD ROM। ये इनबिल्ट हो के आता है, आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। द कमीशन अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू जलियांवाला बाग मैसेकर, सबको पता है, हंटर कमीशन 1928। डैश कलर राशन कार्ड्स आर गिवन टू द अंत्योदय अन्न योजना इन झारखंड? जी हाँ, तो पीला कलर का येलो। व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा May 18, 1974। इसका नाम क्या था? जी हाँ, स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा जी को इसीलिए बोला जाता है दुर्गा। किसने बोला था? अटल जी ने बोला था दुर्गा, क्योंकि उसने पोखरण टेस्ट 1974 में आयोजित किया था, नाम था स्माइलिंग बुद्धा। आगे रखेंगे। व्हेन डिड जयपाल सिंह मुंडा बिकम द लीडर ऑफ छोटा नागपुर आदिवासी महासभा? 1938। देखिए, इसका आंसर तो 1939 होना चाहिए, क्योंकि देखिए छोटा नागपुर आदिवासी महासभा गठन हुआ था 1938 में, लेकिन वो जो लीडर बने थे, उसके अध्यक्ष बने थे, वो 1939 में बने थे। तो आंसर तो 39 होना चाहिए, लेकिन चूंकि नहीं है तो 38 होना मार सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। द ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल शुड इन असम? जी हाँ, बिहू। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हैड हेल्ड द थ्रोन ट्वाइस? जी हाँ, किसने दो बार मुगल गद्दी पर बैठा था? हुमायूं, याद होगा, क्योंकि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मार के भगाया था। जी हाँ, और फिर उसके मरने के बाद ये वापस गद्दी पर आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन? जी हाँ, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पंचायती राज। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज लोकेटेड इन देवघर? बैद्यनाथ। एक करेंट अपडेट आपको बता दें कि जो हमारे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग है, इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है, आई थिंक उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से देवघर के ज्योतिर्लिंग को हटा दिया गया है, ये करेंट अपडेट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वट इज़ द नंबर ऑफ बीट पैटर्न प्रोवाइड बाई 7-bit code? 7-bit code यानी कि 2 का पावर सेंड कर दीजिए, 128 आता है। देखिए, जो द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर GST? जी हाँ, पेट्रोल GST के अंदर नहीं आता है, अभी उसके लिए बहुत सारा बवाल चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। जो द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवॉर्डेड विद पद्मश्री? किन्हें पद्मश्री नहीं मिला है? तो मेरे हिसाब से शैलेश कुमार बंदोपाध्याय होना चाहिए, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज ऑन इंटरनेट इज जावा? जी हाँ, HTML भी होता है और जावा भी होता है, तो इंटर जावा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटल क्राफ्ट? एंशियंट मेटल क्राफ्ट
प्रैक्टिस बाय ट्राइब ऑफ झारखंड जी हाँ डोकरा, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 23 का जी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है आंसर। द बुक मार्क्ड वेबसाइट आर स्टोर्ड इन, आई थिंक ये मेन्यू में होता है, फेवरेट मेन्यू में, ताकि उसीलिए आप उसको बुक मार्क करते हो ताकि वो आपका फेवरेट है और आप तुरंत उसको एक्सेस कर पाए। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलफील्ड्स इज नॉट इन द झारखंड, ये झीली मिली आंसर होगा, आई थिंक ये छत्तीसगढ़ में झीली मिली लोकेट करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन ऑफ कंडक्टिंग द पंचायती राज इलेक्शन, जी पंचायती राज इलेक्शन जो भी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैकअप टेक्निक इज द मोस्ट एफिशियंट, स्पेस एफिशियंट, इसका आंसर होगा इंक्रीमेंटल बैकअप। जी हाँ, लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप करने के पहले आपको फुल बैकअप कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और टेराबाइट इज इक्वल टू, टी से टेराबाइट, टी से ट्रिलियन बाइट्स आंसर होगा उसका। छोटा नागपुर प्लेटियो इज कम्पोज ऑफ इस टाइप ऑफ रॉक्स, आई थिंक इसका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन। आगे बढ़ेंगे। हाउ मनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ आयरन एंड स्टील आर एस्टेब्लिश इन झारखंड, आई थिंक इसका आंसर दो होना चाहिए, एक तो टाटा है एक बोकारो है। जी हाँ आगे बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा इज कॉमोमरेटेड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तो है ही, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, होटवार जेल रांची जी, और बिरसा मुंडा स्टेडियम, तीनों है तो ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे बढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 इज टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ओके लेट्स सी, टू फैसिलिटेट न्यू इन्वेस्टमेंट, दोनों का मतलब एक ही है, टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीनों का मतलब एक ही है, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसएमपीएस, एसएमपीएस का होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूएंसी आर इन द झारखंड, जी 81 है, एक आपको नॉमिनेटर होता है, एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। थ्रू विच सिटी ऑफ झारखंड डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, जी हाँ कांके रांची। विद विच स्पोर्ट इज रोजर फेडरस एसोसिएटेड, टेनिस होगा। ताना भगत मूवमेंट गेन पार्टिसिपेशन अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, जी हाँ ताना भगत उरांव ट्राइब से थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, SF6 जी हाँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वॉज बॉर्न इन रांची, ओके इसका आंसर MS धोनी भाई। हाउ मेनी स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विद झारखंड, जी हाँ 5 स्टेट हैं, सिर्फ वेस्ट में 2 शेयर करते हैं और बाकी नॉर्थ साउथ और ईस्ट में एक एक। देखिए द लेंथ ऑफ IPv4, जी हाँ IP एड्रेस का फोर्थ वर्जन का एड्रेस कितने बीट का होता है, 32 बीट का, और वही 6 बीट का अगर पूछेगा तो 128। इन 1861 द पेपर करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, सही है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अपॉइंटेड एज द जज एट ITLOS, ये नीरू चड्डा। फ्रॉम विच माइन इज द आयरन ओर सप्लाइड एट टाटा स्टील, टाटा स्टील का नाम मुंडी से होता है लेकिन बोकारो का होता है क्योंझर से। आगे विच द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू छोटा नागपुर प्लेटियो, छोटा नागपुर प्लेटियो से कौन फ्लो नहीं करता है, इसका आंसर होगा नॉर्थ कोयल जी। एक कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका भाग होता है, जी हाँ वो CPU का होता है, CPU में कंट्रोल यूनिट आता है, मेमोरी आता है, तो इसका आंसर होगा CPU। इन इंडिया द BC रॉय अवार्ड इज हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर, जी हाँ BC रॉय, ये BC रॉय कॉलेज भी है कलकत्ता में, तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। आगे द इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन इज ड्यू टू येलो रेवोल्यूशन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज लाइमस्टोन ऑब्टेंड, लाइमस्टोन रांची पलामू दोनों में होता है, इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। देखिए विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स हजारीबाग एंड बारागुरा, तो इसका आंसर होगा NH-33 विथ शॉर्टकट की यूज टू सेंटर पैराग्राफ, L से होगा लेफ्ट, R से होगा राइट, E से होगा सेंटर, J से होगा जस्टिफाई, आंसर होगा Ctrl+E। आगे देखेंगे। इज द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप,
इन 2017 एक्सरे टेलीस्कोप चाइना। जी हाँ, चाइना आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इन एमएस वर्ड विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिटिंग व्यू। जी हाँ, इसका आंसर पेज लेआउट व्यू होना चाहिए, क्योंकि पेज लेआउट व्यू ना प्रिंटिंग के लिए होता है, एडिटिंग के लिए नहीं होता। चलिए आगे। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉक्सर। इनमें से बॉक्सर कौन नहीं है? बेंजामिन लकड़ा बॉक्सर थे, दिवाकर प्रसाद भी बॉक्सर है, लक्ष्मी पाड़िया के बारे में आइडिया नहीं है, असुंता लकड़ा। जी असुंता लकड़ा तो बॉक्सर नहीं है, तो हॉकी से संबंधित है। आगे देंगे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए। जूट इज कल्टिवेटेड मोस्टली इन द डेल्टा एरिया ऑफ। जी हाँ, गंगा। क्यों याद रखेगा? क्योंकि बंगाल याद रखिए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट यहीं प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ। जी हाँ, दीपिका कुमारी आर्चरी से संबंधित रखती हैं। हु इज द ऑथर ऑफ झारखंड कैसल और ग्रेप्स? विक्टर दास। जो द फॉलोइंग वॉज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए, लैंड रिफॉर्म से क्या क्या? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, ओके, टेनेसी रिफॉर्म्स और कॉन्सोलिडेट ऑफ होल्डिंग्स। देखिए, बी और सी तो होगा ही, ए के बारे में उतना आइडिया नहीं मुझे, तो अगर बी और सी है तो आंसर डी होगा। फॉलो दबाओ। चलिए आगे। विच द फॉलोइंग नॉवल इज बेस्ड ऑन मुंडा रेबिलियन। आरण्येर अधिकार। जी हाँ, आरण्येर अधिकार, मुंडा रेबिलियन। एक बंगाल की कोई लेडीज है, आई थिंक महादेवी वर्मा है शायद, या महाश्वेता देवी है, उन्होंने ये लिखा था आरण्येर अधिकार। ये बिरसा मुंडा पे बेस्ड है। आगे बढ़ेंगे। हु लेड द इंडियन टीम टू आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017। जी हाँ, हम लोग 9 रन से हार गए थे, तो पता है मिथाली राज सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाया था। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट सीएनटी एक्ट का पास हुआ था 1908 में। चलिए आगे देखते हैं। विच द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। जिसका आंसर होगा कोंकणी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20। विच द फॉलोइंग टूरिस्ट स्पॉट्स रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हमेशा बारिश होती रही, मतलब ऑल ओवर द ईयर, वो था चेरापूंजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियाज फर्स्ट फुली फंक्शनल रॉकेट विथ अ क्रायोजेनिक इंजन। जी हाँ, वो GSLV-3 था। ओके, विच लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द CPU। जी हाँ, वो असेंबली लैंग्वेज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। जी हाँ, दामोदर रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है? कोनार, आई थिंक कोनार तो है ही, बड़ाकर भी है, जमुनिया भी है, यानी इसका आंसर होगा डी। कोई नहीं, सारे के सारे दामोदर रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं। कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड को कहते हैं रिकॉर्ड। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स। जी हाँ, फाउंड्री फोर्स ये रांची HSC का एक पार्ट है। आंसर रांची होगा। जो द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स। जी हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम भी यूज होता है। बोकारो स्टील सिटी पॉपुलर सिटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड वॉज फाउंडेड बाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया UCIL ऑपरेट्स माइन एट जादूगोड़ा में तो होता है, तुमराडी में भी होता है, तो अगर जादूगोड़ा तुमराडी दोनों है तो आंसर डी होना चाहिए। बिरसा मुंडा उल्गलान रिवोल्ट ब्रोक आउट इन। जी हाँ, 1895 में हुआ था। द एटलस माउंटेन इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ। जी, उत्तर एटलस जो है किसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, तो उसका आंसर होगा अफ्रीका। वेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपन इन अ कंप्यूटर इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन। जी हाँ, वो रैम में स्टोर होता है टेम्पररी, जब जिससे मान लीजिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट खोले तो वो उस समय तक रैम में ही काम करेगा, आंसर रैम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। वायरस। जी, हैकर्स तो आपको पता है रियल सिक्योरिटी रिस्क है, स्पैम भी है, आइडेंटिटी थेफ्ट तो है ही, वायरस आपका रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क नहीं है। वायरस सब क्या करता है, आपका कंप्यूटर का जो डेटा होता है या फिर उसको रेप्लिकेट करते रहता है। मेरे हिसाब से वायरस आंसर होगा, आप एक बार फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए। अ सिस्टम कॉल इज अ मेथड बाय विच प्रोग्राम मेक्स अ रिक्वेस्ट। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे जितने प्रोग्राम्स हैं, कब मन रन करना है,
कैसे रन करना है वो मैनेज करता है। चलिए आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। जी हाँ, तो ये जो हुआ था ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये 1909 में हुआ था, लेकिन मॉन्टे कैल्फोन्स रिपोर्ट था ये हुआ था 19 में। चलिए, द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन अ हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो होता है ड्राइवर्स। जी हाँ, डिवाइस ड्राइवर्स। हु वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड वेन द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन ईयर द 2013। तो उस समय मुख्यमंत्री तो अर्जुन मुंडा थे, प्रेसिडेंट सर सैयद अहमद खान जी यही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड। जी हाँ, माइंस के लिए फेमस है झारखंड, तो माइंस का ही होगा। वन कैन एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ वेब मेल इंटरफेस। हु वॉज द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन द यूट्यूब। ये IPL होगा, और आई थिंक ये IPL का वर्जन 10 था, याद नहीं आ रहा, लेकिन IPL ही था। आगे बढ़ते हैं। द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव प्रोग्राम, तो उसका आंसर होगा F10। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियन फ्रॉम झारखंड हैज सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ MP। MP का गवर्नर कौन था, आई थिंक ये रमेश्वर ठाकुर होगा आंसर। जी हाँ, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पीरियड कंकनी इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। कोंकणी गुजरात का, सॉरी ये गोवा का ये है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये किस किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं हम लोग, देवनागरी, रोमन, कन्नड़ा, तीनों आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट इनोवेटिव इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट अवार्ड इन बायोडाइवर्सिटी कैटेगरी अंडर द थीम ऑफ ग्रीन एट द 6th ग्रीन को समिट 2017 बाय CII। अच्छा, नोमंडी। जी हाँ, नोमंडी एज का आंसर होगा। वेन वॉज द फर्स्ट लोक अदालत एस्टेब्लिश फॉर नेशनल नरेगा इन झारखंड, तो 2009 में, तब तक नरेगा एक्चुअली मनरेगा बन गया था, नरेगा शुरू हुआ था 2005 में और लागू हुआ था 2006 में, 2009 में मनरेगा बन गया था। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। जी हाँ, सतलज। झूमता इज अ काइंड ऑफ फोक म्यूजिक है ये, नहीं फोक म्यूजिक नहीं, इसका आंसर होगा फोक डांस। झूमता एक फोक डांस है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डैश गिव्स अ कंप्यूटर इट्स यूनिक एड्रेस, IP एड्रेस। विच वॉज द फर्स्ट हाईकोर्ट टू डिक्लेयर बंद एज इलीगल इन इंडिया, केरल हाईकोर्ट। द थिंग कॉल्ड लव एन अनयूजुअल रोमांस एंड द मुंबई रेन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये तुहिन सिन्हा द्वारा लिखा गया है, ये टाटा से बिलोंग करते हैं। और जितने भी इसे कहानी आएंगे आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि लव से जितने भी रिलेटेड होंगे ना वो सब तुहिन सिन्हा भी लिखे हैं, तुहिन सिन्हा ही लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये टाइपिंग से क्वेश्चन आ गया, फिर भी ये नंबर 5 को टाइप करने का शॉर्टकट की क्या है, Alt+0135। तो ये अब कंप्यूटर का आ गया है, मैं इसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, आपका कमेंट नीचे कीजिएगा जो भी आपको लगे कि इसमें जो मैंने गलत बताया हो, वैसे गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं।